बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच वाई इन्फो। आज का करते हैं जी व्लॉग स्टार्ट। तो वीडियो में जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बाइक की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जी आपको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो में अभी क्या है कि अभी ऑफिस में हूँ, ऑफिस में जो भी रूटीन वाइज काम आएगा वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। दूसरा ये कि एक दो काम हैं जो कि मार्केट जाना है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। अभी यही मेरे पास एक सिस्टम आया था, ये सिस्टम है जो कि डिस्प्ले नहीं दे रहा था। मैंने सिर्फ इसको क्या किया है, ब्लोर किया है। ब्लोर करने के बाद इसकी जो रैम है उसको निकाल के वाइट पेपर के साथ अच्छी तरह साफ़ किए और सिस्टम जो है डिस्प्ले पे मारा आ गया, बिल्कुल ओके चल रहा है अभी। और सेकंड ये कि इसमें बहुत ज़्यादा वायरस है, तो वायरस के लिए इस क्या करना है कि इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद कुछ मैंने पेपर पर ये चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, ये आपने स्टेप बाई स्टेप मसे के इसको चलाना है। वो किस तरह है, वो सिंपल है, विंडोज़ आर का आपने बटन प्रेस करना होगा। जिस तरह ये लिखा है वो आपको इजीली मैं बता भी देता हूँ। देखिए आपने विंडोज़ आर क्या प्रेस करेंगे, क्लीन एम जी आर लिखेंगे। ये देखिए ये विंडोज़ का बटन है जिसके जैसे विंडोज़ ओपन हो जाती है, विंडोज़ और आर का बटन आपने प्रेस करना है। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें लिख दी हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पर आपको बताया क्लीन एम जी आर, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल एंटर करेंगे, वो सामने सी आपको पूछ रहा है तो आप ओके कर देंगे। इसको कुछ फाइलें वो ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑप्शन लिखी हुई थी पी फैच, पी आर ई एफ ई टी सी एच, ठीक है। इस पर आपने सिंपल ओके कर देना, यहाँ पे डिलीट फाइल कुछ मैं कहेगा आपको वो कर दें, एफ ई टी सी एच, यहाँ पर सिंपल एंटर करें। इनको आपने सभी को डिलीट कर देना है, कंट्रोल ए की मदद से आपने सेलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट डिलीट से साथ आपने डिलीट कर देना है। फिर आपने क्या करना है, ट्री ओपन करना है, ट्री के लिखना है, एंटर करना है। कुछ ब्लैक विंडोज़ जट से ओपन होगी, खुद ही बंद हो जाएगी। फिर टेम्प ओपन कर दें, टेम्प डिलीट कर देंगे। मैंने डिलीट कर दी, वैसे ये तीन फाइलें पड़ी हुई हैं, ये ज़रूरत नहीं है डिलीट करने की। इसी तरह ये भी सारी रिमूव की हुई हैं क्योंकि मैंने पहले सिस्टम की रिमूव कर दी है। फिर आपने सी एम डी कमांड ओपन करनी है, यहाँ पर आपने लिखना है एस एफ सी स्पेस देंगे, ये वाली स्लैश जो है बैक स्लैश, ये आपने टाइप करनी है। और फिर आप स्कैन नौ पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ये आपने ज़ीरो से लेके 100% ये तक ये चलेगी बार, यहाँ पे ये देखें स्टार्टिंग हो गई, 100% कंप्लीट हो तो सिस्टम को बंद कर दें। व्लॉग वीडियो है तो मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि आपके पास पता है कि आप भी लोग जो अपनी वीडियोस एडिटिंग करते हैं और इसके अलावा प्रोग्राम वगैरह इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप पे या जो भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो ये चीज़ें लाजमी एक महीने बाद रिमूव कर लिया करें क्योंकि बहुत सारी जो है टेम्प फाइलें बन जाती हैं जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी सिर्फ मैं बाइक गया था तो अपनी मेडिसिन ले रही थी अम्मी अबू की, वो लेके आए। सेकंड ये है कि मेरे बैग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो भी मैंने रिपेयर करवाने जाना है थोड़ी देर तक जब मार्केट ओपन हो जाएगी। सेकंड ये है कि मार्केट का मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, सबके लिए होती है कि एक तो मार्केट तकरीबन 12 बजे तक यहाँ पर ओपन होती है, तो मार्केट का रूल एक होना चाहिए कि सुबह फजर की नमाज़ के फौरन बाद 6 बजे मार्केट ओपन हो और शाम को 6 बजे बंद हो जाए। सोचे ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उन्होंने टाइमिंग करनी होती है। वैसे भी मुस्लिम मुल्क है तो फ्राइडे की छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि हर बंदा जुमा भी इजीली पढ़ सकता है। अभी ये लैपटॉप आया है, अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई ज़्यादा इजाफी सॉफ्टवेयर कुछ इंस्टॉल नहीं है। डेस्कटॉप पर भी विंडोज़ में भी मैंने देख ली हैं, तो सिर्फ क्या है कि इसके एक तो विंडोज़ एक्टिवेट यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर देखिए अगर सी ड्राइव में मैंने ऑप्शन भी आके यहाँ पे व्यू की ऑप्शन जो होती है यहाँ पे इसके हिडन फाइलों को ओपन कर लिया, ये सभी जो चेक होते हैं इनको अनचेक करके, ठीक है, यहाँ पे ओके कर लिया। इसके बाद यूज़र में आते हैं तो यूज़र में आप देखें यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने डाटा चेक कर लिया, सिर्फ 500 MB का डाटा है, लेकिन ये एक अजाफी जो है यहाँ पर ऐप डाटा पे क्लिक करता हूँ और स्पेस इसकी चेक करते हैं। यहाँ पे अकाउंट आपने कहना है कि कितनी स्पेस अजाफी जो गिरी हुई है इसने ऐप डाटा ने, ये सिर्फ अजाफी फाइलें बन जाती हैं जो बेकार होती हैं, किसी काम की नहीं है, सभी स्पेस यही कवर कर लेता है। ये अजाफी स्पेस जो है 2.34 GB की, ये सिर्फ आपकी टाइम फॉलो ने ली हुई है, इसको रिमूव करना है। और सेकेंड इसकी विंडोज़ कम्प्लीट और ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर करने हैं। वेलकम बैक, अभी जो है ऑफिस में हूँ, आज नेक्स्ट डे है, तो मैंने जो है अपनी सारी तस्वीरें घर से लेके आया हूँ। जितनी भी पुरानी तस्वीरें मेरी है, छोटे बहन भाइयों की हैं, या तस्वीरें जो अम्मी अबू की, और अबू गए थे तकरीबन 1995 में मरी, तो वो तस्वीरें पड़ी हुई हैं। ये कॉपीज़ 5 से 6 कॉपीज़ थी जो कि बच्चों ने कर दी हैं सारी ख़राब,
अब ये कि मैं इनको लेके आया हूँ, अभी इनको तस्वीरों को करना है सबको स्कैन। स्कैन करने के बाद इन तस्वीरों को अपने पास कंप्यूटर में सेव कर लेना है। सेकंड ये कि इनकी वीडियो बनाऊंगा और जाके अम्मी और अब्बू को जो है वीडियो LED के ऊपर ऑन करके चला के दिखाएंगे। और सेकंड ये कि तस्वीरें जितनी भी हैं पुरानी, वो आपको पता है कि यादगिरी होती है, और तस्वीरों को जब मैंने अपने पास सेव करना है। सेकंड एक पहले तस्वीरें जितनी मेरे पास पड़ी हुई हैं, एक मेरे अपने लैपटॉप के अंदर है, दूसरा एक एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर है, तीसरा भाई के लैपटॉप में है। तो इस तरह के तीन जगहों पे तस्वीरें सेव है, अपनी शादी से पहले की, भाई की शादी की, भाई की शादी से पहले की, और दोस्तों की भी सभी तस्वीरें इसी तरह सेव की हुई हैं। तो स्कैनर जो है मेरे पास HP 200 है। अगर मार्केट से आपने स्कैनर लेना है तो 2500 से 3000 का स्कैनर ये मिलेगा। वैसे मोबाइल के अंदर भी कैम स्कैनर ऐप है, उसके थ्रू भी आप अपनी तस्वीरों को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप उसको भी सेव कर सकते हैं, तो वो भी स्कैनर ठीक है। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इसी स्कैनर से तस्वीरें स्कैन करूँगा। स्कैन करना है मैंने PDF में, बाद में Adobe में उनको अलग अलग तस्वीरें कर लूँगा। एक मैंने कि स्कैनर के अंदर तीन तस्वीरें रख के फिर स्कैन करना है कि ज़्यादा टाइम ना लगे। सिर्फ मुझे अभी दो कॉपी एल्बम मिली हैं और तकरीबन 6 एल्बम कॉपी जो है अभी नहीं मिली, वो भी जैसे मिल जाएंगी तो उनको भी सेव कर लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी चलते हैं जी वीडियो की तरफ। और नुमान भाई का भी चैनल है, क्या चैनल जनाब? दी एक्सप्लोरर चैनल का नाम है। तो इमरान अपना नुमान भाई के भी चैनल को विजिट करें। सेकंड हमारे दंश भाई जो हैं वो भी एक चैनल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी जो है म्यूजियम नहीं बनेगा, जैसे बनेगा तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वो म्यूजियम बहुत अलग क्वालिटी का होगा, पहले शुरू नहीं होना, अभी चुप चुपीते काम करना है। अभी मेरे पास एक सिस्टम आया है जिसको मैंने चेक कर लिया है। इसमें प्रॉब्लम कुछ ये है कि काफ़ी पुराने इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल है और डिपार्टमेंट ने काफ़ी अरसा से ये सिस्टम यूज़ नहीं किया। अभी ब्लॉर मैंने किया है, इसकी रैम वगैरह साफ़ कर ली है। यहाँ पर ये देखें बिल्कुल क्लीन हो गया सिस्टम। और इसकी अभी विंडोज़ करनी है, तो विंडोज़ के लिए काफ़ी वीडियोस वगैरह मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो सेकंड ये कि मैंने अपने जो फैमिलीज जो पिक्चर्स जो मैंने स्कैन कर ली थी उसको मैंने अभी वीडियोज़ वगैरह एडिटिंग कर ली है। वीडियो कम्प्लीट होती है तो वो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर से वो थोड़ी सी वीडियो आपके साथ इसी ब्लॉग के अंदर शेयर कर दूंगा। तो अभी इसकी विंडोज़ कर लेते हैं, पर थोड़ा सा रह गया है। वीडियोज़ ये है कि बच्चे भी बड़े शौक से देख लेते हैं। वैसे भी ये है कि पिक्चर अब एल्बम वाला दौर बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है, तो ये सिंपल यहाँ पे हम विंडोज़ मैंने बूटेबल डिवाइस बनाई हुई है। वीडियोज़ हमारी कम्प्लीट हो गई हैं, इसको हम कर देते हैं बंद। अभी ये कि सारी तस्वीरें जो घर वाले भी देखेंगे, वीडियोज़ मैं खुद भी देख रहा हूँ, तो हर वीडियो की अपनी एक स्टोरी होती है। जैसे कि पुरानी तस्वीरें हैं, जो भी तस्वीर हम ओपन करते हैं, ठीक है, अभी जैसे मैं अपनी तस्वीर देख रहा हूँ तो पुरानी, जहाँ पे कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो बहुत ज़्यादा छोटा हूँ मैं, तो गुलशन इकबाल पार्क है जहाँ पे अब्बू लेके गए हैं, उसकी कोई मुझे नहीं याद कि मैं सेंगे कब हम उस पार्क में गए थे या क्या खाया पिया, कोई पता नहीं है। उससे थोड़ी सी बड़ी जो है तस्वीरें जिसमें ए थोड़ी तकरीबन ज़्यादा है उसमें पता लग जाता है, बकाया जो उससे छोटी हैं तो उसमें कोई पता नहीं लगता है कुछ। इसी तरह मैट्रिक में 2003 या 2004 में जो मेरी तस्वीरें हैं स्कूल ट्रिप के साथ, वो भी तस्वीरें देख के बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा वीक था मैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। वेलकम बैक। और अभी मैं घर आ गया हूँ और जो सारे ओल्ड पिक्चर्स की मैंने स्कैन करके वीडियो बनाई है वो भी LED के ऊपर चला रहे हैं, और बच्चे जो है सब इंजॉय करेंगे ये। अरुज क्या कह रहे हो? ये देखिए वीडियो मैंने बनाई हुई है और पिक्चर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी थोड़ी देर बाद। 10 सेकंड का मैंने टाइम रखा है और म्यूज़िक अभी बंद कर दिया क्योंकि पीछे सॉन्ग लगाया तो कॉपीराइट क्यों क्लेम आ जाएगा। अभी मेरे पास एक लैपटॉप है डेल का E6410, ये मॉडल है। इसका ये प्रॉब्लम है कि इसका माउस पैड जो है चलता चलता रुक जाता है, और अभी जो है इसकी मैंने स्ट्रिप जो है वो पता की है मार्केट से, तो इसकी स्ट्रिप तो नहीं मिलती। इसका जो माउस पैड होता है इसको C पैनल बोलते हैं, तो ये जो है माउस पैड C पैनल उन्होंने बताया कि आपको मिलेगा 1500 रुपये का, और ये डाल के देंगे वो तकरीबन 2000 रुपये इसके ऊपर खर्चा है। तो खुद ही अगर मैं डालूंगा तो तकरीबन आप समझिए कि 1500 का वो मिलेगा, 500 रुपये बचेगा। बकाया ये कि प्रॉब्लम स्ट्रिप की नहीं है, सी पैनल होता है। ओपन करने के बाद इसकी सर्विस भी हो जाएगी, और दूसरा ये कि माउस पैड जो स्ट्रिप है जो सी पैनल इसको बोलते हैं वो सारी जो है चेंज करनी होगी।
तो वो एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन ये है कि माउस पैड अगर प्रॉब्लम कर रहा हो तो उसमें ये होता है कि बाज़ का सर्विस करके चल जाता है, बाज़ का सिर्फ इसकी वायर होती है एक छोटी सी जिसको स्ट्रिप बोलते हैं वो चेंज करने से चल जाता है, लेकिन इसकी स्ट्रिप नहीं आती, इसका पूरा सी पैनल होता है। वीडियो जो है आज की कर रहे हैं ख़त्म। वीडियो में आपने देखा है कि लैपटॉप या और दूसरे काम, फोटोग्राफी, जैसे कि अभी मैंने एक और जो है अपनी काफ़ी पुरानी जो पिक्चर है वो लेके आया हूँ, तो अभी इनको भी जो है सबको स्कैन कर लूँगा और उसी तरह वीडियो बना के अपने पास सेव कर लेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भाई को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।